आप पुलिस ऑफिसर भी बन सकते हो। नेवर अगेन क्या है, ये कोई फेमिनिस्ट स्लोगन नहीं, ये इनिशिएटिव है सीएम साहिबा का। नेवर अगेन का मतलब है आइंदा कभी नहीं, आइंदा कभी नहीं उठेगा कोई हाथ किसी औरत के हक को गस्प करने के लिए, आइंदा कभी नहीं उठेगा कोई हाथ किसी औरत के अगेंस्ट क्राइम को इनिशिएट करने के लिए। 2 मार्च 2024 को हमें एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि 3 बच्चियां जो कि घर से इम्पॉर्टेंट सौदा सेल्फ लाने के लिए बाजार गई होती हैं वापस नहीं आई। इस पे वालदैन को तश्वीश होती है कि शायद उन बच्चियों को किसी ने किडनैप कर। ये इन्फॉर्मेशन आते ही कोट लखपत की पुलिस फौरन सरगर्म में अमल हो जाती है और विद इन 24 आवर्स हमें एक और इन्फॉर्मेशन थ्रू आर इन्फॉर्मर रिसीव होती है जिससे हमें मालूम होता है कि कुछ बच्चियों को एक घर में ज़बरदस्ती वहादत रोड के ऊपर बंद करके रखा गया है हबसे बेजा में। जब हम इन 2 कड़ियों के सिरों को मिलाते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये वही 3 बच्चियां हैं जो गुज़िश्ता रात अपने घर से गायब या लापता हुई थी। पुलिस पार्टी फौरी तौर पर इस जगह पर रेड करती है और न सिर्फ वहाँ से बच्चियों को बहिफाजत बाजियाब करा लेती है बल्कि इस केस के मरकजी मुलजिम मोहसिन को उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लेती है। जाने कितनी बच्चियाँ अपने हाल से मायूस होकर ख़ुद को ऐसे मुस्तकबिल की तरफ धकेल देती हैं जो उनके हाल से भी ज़्यादा तारीख होता है। बच्चियाँ ऐसा क्यों करती हैं, क्या वालदैन की तरफ से कम तवज्जो देना इसकी वजह है या माशरे की बढ़ती हुई दरिंदगी इस तरह के वाक़यात को जन्म देती है, और हम इसका सदेबाब कैसे कर सकते हैं। हम इसका सदेबाब अपनी बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके कर सकते हैं, अपनी बच्चियों को फुल कॉन्फिडेंस देकर कर सकते हैं। जो बच्ची घर में तहफ़ महसूस करेगी वो कभी बाहर किसी अजनबी की बात का भरोसा नहीं करेगी और ख़ुद को गैर महफूज मुस्तकबिल की जानब नहीं धकेलेगी। आइए मिलकर इस माशरे को अपनी बच्चियों के लिए महफूज बनाएं। बड़े होकर क्या बनोगे, टीचर, डॉक्टर? आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने पढ़ाई पे फोकस करना है। आप लोग बहुत छोटे हो, आप पढ़ोगे ना, प्रॉमिस?